उसके लिए आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम दिशांक अरोड़ा है। दिशांक जी, अगर बात करें, आज क्या चल रहा है? हम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं एंड इट्स अ नाइस सॉन्ग, गुड डांसिंग नंबर, सो या। किस तरह का गाना है, क्या मूड है? आई थिंक क्लब्स में ज़्यादा बजेगा, और जब आप किसी क्लब में जाते हो तो एक लड़का और लड़की के बीच में इंट्रैक्शन होता है, वो फ्लर्टनेस होती है, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। आपके साथ में आई थिंक आई डोंट नो मच पीपल ओवर हियर, सो इट्स जस्ट मी एवरीवन। एक एल्बम की अगर बात करें, कितना बड़ा एक्सपोजर मिलता है एक आर्टिस्ट को? सी आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट एल्बम एंड आई नो असलम, आई नो आकाशा लॉन्ग बैक एंड सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, सो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स लाइक दैट। बॉलीवुड की बात करें, अभी तक कितना आप काम कर चुके हैं? मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है, विच इज़ कॉल्ड मिसिंग ऑन अ वीकेंड एंड इट्स रिलीजिंग सून, द प्रोमोस इज ऑलरेडी आउट, ट्रेलर इज आउट, यू कैन चेक दैट आउट ऑन यूट्यूब, सो लेट्स सी व्हेन इट्स रिलीजिंग। किसी बड़े स्टार से आपकी लुक मिलती है, रणवीर से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? वो मुझे नहीं पता, वो आई थिंक वो फैंस फैन गर्ल ऐसा बोलते हैं, स्पेशली ये फैन गर्ल यहाँ पे घूम रही है, शी थिंक्स लाइक दैट, सो आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। वो ऐसा है कि नॉर्मली जैसे आप किसी क्लब में एंटर करते हो, ये लड़का क्लब में एंटर करता है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल, वो इधर उधर अपना एंटीना घुमा रहा है कि कोई तो लड़की से कहीं पे तो आई कैचिंग हो जाए, तो वो हो जाता है एंड देन दे डांस दैट, एंजॉयिंग इट, क्वाइट फन, इट्स गुड। मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि लड़की गाना गा रही है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि लाइक की लाइंस क्या है, तो मैं गा भी नहीं पाऊंगा कि आने वाले जो प्रोजेक्ट है आपके, मूवी किस तरह की मूवी है और क्या? वो एक सस्पेंस थ्रिलर है, इट्स कॉल्ड मिसिंग ऑन अ वीकेंड, सो उसकी ट्रेलर ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ऑलरेडी आ चुका है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, और उसके भी दो सॉन्ग्स हैं, एक आइटम नंबर है और आई थिंक दो आइटम नंबर है, तो वो दोनों आउट निकल चुके हैं यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आउटडोर हमने वो फिल्म गोवा में शूट की है और लास्ट ईयर शूट की थी, तो इट्स ऑल सेट टू रिलीज, लेट्स सी, कीप्स आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। 90 का दौर चालू हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो टाइम काफ़ी अच्छा था, मैं खुद काफ़ी सारे एल्बम्स देखता था और म्यूजिक वीडियोस देखता था, मेरा इट वाज अ ड्रीम दैट आई शुड डू अ म्यूजिक वीडियो समथिंग लाइक दैट एंड व्हिच इज आई एम डूइंग इट राइट नाउ, तो इट्स गुड फन।